तो फ्रेंड्स, मेरे पास ना ये पुराने कुशन कवर रखे हुए थे, तो मैं आज इनका इस्तेमाल करके आपको फ्लोर सोफ़ा और मैट्रेस दोनों बनाना बताऊंगी, जिससे कि आप बिग साइज़ फ्लोर सोफ़ा और मैट्रेस या गद्दा घर में बना सकते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दूंगी, जिससे कि आप फ्लोर सोफ़ा और मैट्रेस जो है घर में बना सकें। तो मेरे पास ना ये कुशन कवर रखे हुए थे, तो मैं आज इनका इस्तेमाल करने वाली हूँ और इसी से मैं आपको गद्दा या मैट्रेस या फिर फ्लोर सोफ़ा बनाना बताने वाली हूँ। तो ये जो मेरे पास कुशन कवर रखे हुए थे, इनको हम इस तरह से माप लेंगे। तो इसकी जो लेंथ और विड्थ हम लेंगे 15 इंच लेंगे। आपको अगर बड़ा साइज बनाना है तो आप बड़ा साइज भी बना सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी वीडियो में। तो मैंने इस कुशन कवर का मेजरमेंट आपको बता दिया है। अगर आपको बिग साइज फ्लोर सोफ़ा या फिर मैट्रेस गद्दा बनाना है तो उसका मेजरमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो बिग साइज के लिए लेंथ और विड्थ लेंगे 20 से 25 इंच तक। तो इस तरह से आप इसकी लेंथ और विड्थ ले लीजिएगा। तो बिग साइज का फ्लोर सोफा या मैट्रेस जब हम बनाएंगे तो तीनों पीस हमें बराबर के लेने हैं। तो 20 से 25 इंच तक हमें इसकी लेंथ और विड्थ लेनी है। तो इधर से भी मैं आपको बता देती हूँ, इस तरह से हमें इसकी विड्थ लेनी है 25 इंच। तो इस तरह से बिग साइज फ्लोर सोफा या गद्दा मैट्रेस आप इजिली घर में बना सकते हैं। तो ये हो गया हमारा मेजरमेंट बिग साइज के लिए। तो चलिए फिर अभी हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये हमारा कुशन कवर है, जिसका अभी अभी हमने मार्किंग की है। तो अभी इस कुशन कवर को हम इस तरह से रखेंगे और दूसरा कुशन कवर लेंगे और इस तरह से दोनों पीसेस को रखेंगे और इस पे सीधी सीधी हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे पीस को भी हम बराबर से रखेंगे और इस पे भी हमें सीधे सीधे सिलाई लगानी है। तो दोनों ही पीसेस पे हम सिलाई लगा के इसको तैयार करेंगे और एक वन पीस बना के रेडी करेंगे। तो इस तरह से हम इसमें सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड सिलाई लगा के हमने इसको वन पीस तैयार कर लिया है। तो अभी हमें इसको करना है फिल। तो ये जो हमारे कुशन कवर की जो ओपन साइड है, यहीं से हम इनको फिल करेंगे। तो अगर आपके पास पुरानी कॉटन है या फिर फॉर्म वगैरह है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। मेरे पास सिलाई से बची हुई जो कतरन है और पुराने कपड़े रखे हुए थे, मैं उनको इसमें फिल करूंगी। तो वन बाय वन हमें इसमें कपड़ों को फिल करते जाना है। तो जितने भी हमारे पास पुराने कपड़े और सिलाई से बची हुई कतरन है, उनको हम इस तरह से इसमें फिल कर लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, तीनों ही पीसेस को हमने कपड़ों से फिल कर लिया है। अभी जिप को हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से दबा दबा के हमें इसको फिल करना है। तो कपड़ों को फिल करके एकदम रेडी हमने इसको कर लिया है। तो अभी हमें इसमें बीच में टक्स लगाने हैं, इस तरह से 4 टक्स लगाएंगे इस तरह से, और तीनों ही पीसेस में इस तरह से हम टक्स लगा के इसको तैयार करेंगे। तो जब हम इसमें टक्स लगाएंगे तो ये लुकिंग वाइज भी अच्छा लगेगा और मजबूत भी ये बन के तैयार होगा। तो हमें सिंपल इसमें इस तरह से टक्स लगाना है। तो तीनों ही पीसेस में हम टक्स लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं, इस वाले पीस में हमने इस तरह से टक्स लगाए हैं। तो बस सिंपल इसी तरह से हमें दोनों पीसेस में टक्स लगा के इसको पूरा कंप्लीट करना है। तो टक्स लगाने के बाद ये और भी मजबूत बन जाएगा। तो ये हमने ली है बड़ी वाली सुई और इससे हमें इसमें टक्स लगाना है। तो सिंपल हमें इस तरह से इसमें टक्स लगा के इसको तैयार करेंगे। तो जिस तरह से हमने इसमें लगाए ना फर्स्ट वाले पीस में, उसी तरह से हमें इसमें टक्स लगाने हैं। तो सुई को इस तरह से अंदर डालेंगे और दूसरी साइड से इस तरह से निकालते हुए फिर
फिर से हमें इसी तरह से इसको बना के पूरा कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से तीनों ही पीसेस में हमने टक्स लगा के इस पीस को तैयार कर लिया है। इस तरह से तीनों पीसेस में हमने टक्स लगा के इसको तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना मजबूत ये हमारा गद्दा या मैट्रेस बनके तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से ना आप बिग साइज गद्दा भी आसानी से घर में बना सकते हैं। लेंथ और विड्थ आप बढ़ा सकते हैं इसकी, और इस तरह से आप एक मजबूत गद्दा घर में ही बना के तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको इस तरह से थ्री पीस ज्वाइंट नहीं करने हैं तो आप एक वन पीस से भी गद्दा बना के तैयार कर सकते हैं, और इस तरह से आप टक्स लगा लीजिएगा जिससे कि आपका एक मजबूत गद्दा जो है घर में बन के तैयार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं लुकिंग वाइज भी कितना अच्छा ये लग रहा है। तो इस तरह से आप गद्दा या मैट्रेस बना सकते हैं, और इसी को आप फोल्ड करके फ्लोर सोफा भी बना सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है और हमारा जो फ्लोर सोफा है वो भी बनके तैयार हो गया है। तो फटे पुराने वेस्ट कपड़ों को इस्तेमाल करने का ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स आप भी इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं एक आइडिये से हमने दो दो चीजें बना के घर में तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से आप इसको गद्दा या मैट्रेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्लोर सोफे के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग सी वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।